गुड इवनिंग क्लास सिक्स स्टूडेंट, दिस इज योर मैथ वर्क बुक ऑफ क्लास सिक्स। नाउ वी आर स्टार्ट टुडे, वी विल स्टार्ट टुडे चैप्टर सेवन, फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी नो अबाउट द सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस चैप्टर। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। फ्रैक्शन क्या है? एक पार्ट अ होल, होल मीन्स कंप्लीट नंबर, 1, 2, 3, 4, और अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन यानी किसी भी कलेक्शन का पार्ट, 3/4, 4/5, 6/7 यानी किसी भी एक होल नंबर का पार्ट। जैसे 7 टोटल पार्ट है एंड उसके 3 पार्ट, तो 3/7 दिस टाइप। सेकेंड इज, द होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो होल होता है वो हो सकता है सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कोई वन पीस और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे 3, 4, 5 उनका भी। नेक्स्ट इज, अ फ्रैक्शन कंप्राइज ऑफ टू नंबर सेपरेटेड बाई अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो फ्रैक्शन होता है जिससे एक्स अपॉन बाई, सो दिस इज द कंप्राइज, तो एक्स एंड बाई, तो ये दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, इट इज़ अ न्यूमरेटर एंड दिस इज अ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज, द नंबर अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। सपोज एक्स अपॉन बाई, तो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अबव नंबर इज अ कॉल न्यूमरेटर, एंड द नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। सो बिलो, बिलो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, तो दिस इज द डिनोमिनेटर। सो 2/4 इज अ एग्जाम्पल एंड 2 इज द न्यूमरेटर एंड 4 इज अ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज, फ्रैक्शन लाइक 1/3, 3/7, 5/8, 7/11 etc. इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर आर कॉल प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर बड़ा है, दैन दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज, फ्रैक्शन लाइक 3/3, 8/5, 7/3, 11/7 इन विच द न्यूमरेटर इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, देन दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मीन्स ए फ्रैक्शन यानी विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, होल नंबर मीन्स कम्प्लीटली 1, 2, 3, 4, 5 इट इज़ अ होल नंबर, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स दिस इज अ फ्रैक्शन 1/3, 3/5, 5/8 दीज आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 2/5/7 दो दिस इज द होल नंबर and this is the proper fraction, so the combination of these number is called improper fraction, is called mixed fraction. Example 2/2, 3/4, 5/1/5 so we read mixed fraction this 2/3/4, 5/1/5 etc. A fraction with 1 as its numerator is called a unit fraction. So suppose 1/5, 1/3, 1/2 so these fractions are unit fraction, means whose fraction who have one numerator, and jinka numerator one ho and denominator kuch bhi ho sakta hai, then numerator it must one, then these type of fraction are called unit fraction. Two or more fraction having the same value or represent the same part of a whole are called equivalent fraction. For example, 1/2, 2/4, 3/6, 24/48 means two or more fraction यानी two or two fraction से ज़्यादा अगर किसी भी fraction की value same होती है, means after simplification, after reduce the fraction, they getting the same fraction, then they are equivalent fractions. So 1/2 and 2/4 we cancel 4 from 2, this
इज ऑल्सो 1/2. सो वी सॉल्व ऑल फ्रैक्शन, वी रिड्यूस द ऑल फ्रैक्शन, देन वी गेट 1/2. सो दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वी मे डिवाइड और मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई द सेम नंबर. सो वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी गिवन नंबर. देन हाउ वी विल फाइंड, कैसे हम फाइंड करेंगे? देन वी कैन मल्टीप्लाई इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और डिवाइड ऑल्सो. सिर्फ 2/3 इज ए गिवन फ्रैक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो वी मल्टीप्लाई बाई 2 अप इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो 4/6 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3. एज सेम वी कंटिन्यू द मल्टीप्लाई 3/3, 4/4, 5/5, 6/6 टू फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इफ द नंबर इज 12/36 इज गिवन, देन वी कैन डिवाइड ऑल्सो टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो वी कैन डिवाइड बाई 4, वी कैन डिवाइड बाई 12, वी कैन डिवाइड बाई 2, वी कैन डिवाइड बाई 3 टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाई मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ मेथड इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो. दिस इज द एग्जाम्पल 16/20. सो 60/4 एंड 20/4, 4/5 एंड ऑल्सो 4/5 मल्टीप्लाई 4 एंड 4. सो इट इज 16/20. द नेक्स्ट इज ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन. सो सपोज हेयर द टू एग्जाम्पल इन 16/20 हेयर 4 इज कॉमन फैक्टर 4, 2. सो दिस इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म. सो बिकॉज वी कैन रिड्यूस दिस फ्रैक्शन, बट 4/5 हेयर 4/5, 4/5, सो देयर इज नो एनी कॉमन नंबर. सो दिस इज द लोएस्ट टर्म. नेक्स्ट इज फ्रैक्शन लाइक 2/6, 4/6, 3/6, 1/6 ऑल हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. मीन्स हुज डिनोमिनेटर आर सेम, विच फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर सेम, दैट्स दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. एंड अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस लाइक 2/3, 3/5, 5/8 एंड 8/11 ऑल हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर. सो स्टूडेंट हियर इज ऑल डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सो दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. द नेक्स्ट इज इफ टू फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर देन दैट फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. इफ टू फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर, अगर टू फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम है, देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. अगर इनके डिनोमिनेटर स्मॉल है देन वो ग्रेटर होगा. सपोज 2/5 एंड 2/7. सो बोथ न्यूमिनेटर आर सेम बट डिनोमिनेटर हेयर 5 इज 7. सो दिस इज बिग डिनोमिनेटर. सो 2/7 फ्रैक्शन इज स्मॉल देन 2/5. नेक्स्ट इज इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. सपोज 3/5 एंड 2/5. सो द बोथ डिनोमिनेटर आर सेम देन दे कंपेयर द न्यूमिनेटर. सो 3 इज ग्रेटर देन 2. सो 3/5 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/5. द नेक्स्ट इज इफ टू और मोर लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमिनेटर देन द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन. अगर टू या टू से ज़्यादा अनलाइक फ्रैक्शन इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, देन द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन. तो जो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा. सेम नेक्स्ट इज टू ऐड और सब्ट्रैक्ट यू मे चेंज अनलाइक फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन. बिकॉज इफ द गिवन टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस एंड वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन देन देयर डिनोमिनेटर
इफ द डिनोमिनेटर आर सेम देन वी विल एड सिंपली न्यूमरेटर एंड वी राइट डिनोमिनेटर वन टाइम्स. इफ द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट देन वी विल चेंज द डिनोमिनेटर इन टू लाइक फ्रैक्शन में सेम इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो देन वी कैन सब्ट्रैक्ट और एड. एड टू एड और सब्ट्रैक्ट में फ्रैक्शन यू में एड और सब्ट्रैक्ट द नेचुरल नंबर पार्ट सेपरेटली. अगर यानी गिवन फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन से वो मिक्स फ्रैक्शन में है देन वी हैव टू एड एंड सब्ट्रैक्ट द मिक्स फ्रैक्शन. देन वी कैन एड द होल नंबर एंड फ्रैक्शन सेपरेटली. और इन सेकेंड मेथड वी कैन चेंज द मिक्स फ्रैक्शन इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देन वी विल एड और सब्ट्रैक्ट. द लास्ट टॉपिक द हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन एक्स अपॉन वाई इज कॉल्ड वेनिकुलम. वेनिकुलम सो एक्स अपॉन वाई सो दिस लाइन इज कॉल्ड वेनिकुलम. सो स्टूडेंट दीज आर द सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू सॉल्व वर्कशीट. सो प्लीज सी एंड रीड केयरफुली. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर वर्कशीट.